अभी मैं आपको महादेव श्री का 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 BHK का मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। 1 BHK का आप देख लें, ये 480 यानी 481 स्क्वायर फुट का, 480 स्क्वायर फुट का इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। प्राइजिंग तो मैं डाल दूंगा, प्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली इसका 66 लाख फ्लैट कॉस्ट है, वो भी नेगोशिएबल प्राइस है। वो आप एक बार आप फ़ोन करें तो वहाँ पे मैं आपको फाइनली बताऊँगा। अभी पहले ये 1 BHK का फ्लैट देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बालकनी के साथ, रेडी टू मूव विद BMC वाटर एंड गैस पाइपलाइन। बाहर चले जाओ ना, धीरे धीरे आ जाओ, कम अरे श्याम पकड़ो इसका, फटाक से मारेगा। ये इसका लिविंग डाइनिंग स्क्वायर में दिया हुआ है, साथ ही साथ रोड फेसिंग फ्लैट है इसका, और करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी भी दिया हुआ है। एक ब्यूटीफुल बात यह है कि आज के रेयर बिल्डर बहुत बालकनी देते हैं, तो विंडो के साइड से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको हॉल का जजमेंट मिल जाए। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूं लिविंग डाइनिंग से। इसमें एक चीज़ बढ़िया किया हुआ है कि यहाँ पर टॉयलेट और वॉशरूम दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, तो अगर आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो कंबाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो सेपरेट भी रख सकते हैं। स्टार्ट में एक आपको बेसिन मिलता है राइट हैंड साइड पे, उसके बाद इस तरफ इसका दिया हुआ है वॉशरूम। यहाँ पे सिर्फ वॉशरूम है क्योंकि इसमें टॉयलेट सेपरेट किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज है। और इस तरफ आप देख सकते हैं इसका टॉयलेट दिया हुआ है, तो दोनों को सेपरेट किया हो। बीच का वॉल आप हटाने के बाद दोनों को कॉमन भी चाहे तो कर सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ कर सकते हैं चाहे तो, या फिर जैसा है एज इट इज़ वैसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका किचन है, किचन में अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं कुछ गंदगी है या कुछ भी है, ये जब आपको फ्लैट फिनिश होके मिलेगा तो कंप्लीट नीट एंड क्लीन करके आपको मिलेगा। ये तो अभी सेल करना है, कुछ लेबर आ जाते हैं या कुछ कबूतर वगैरह आ जाते हैं, कभी विंडो गलती से खुला रह जाता है, तो अदरवाइज़ ये आपको पूरा नीट एंड क्लीन करके प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर किचन वगैरह सब आपको नीट एंड क्लीन करके फिनिश करके आपको मिलेगा। स्टार्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर फ्रिज का स्पेस दे रहे हैं, सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन के लिए आपको ड्राई एरिया भी दिया हुआ है करीबन 3 से 4 फुट का। एक बार इनको आप, इसमें भी वाटर टैब और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। धीरे धीरे घुमाओ, मूव करो कैमरे को, फटाफट मूव मत करो तो सिचुएशन पूरा बिगड़ रहा है। विंडो के साइड से आप किचन का देख सकते हैं ये फ्रिज का स्पेस। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में, इसका बेडरूम किस टाइप का है वो आप देख लें। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ से दीवार अगर वॉल आप डालते हैं तो आपका ये मास्टर बेडरूम भी हो सकता है वैसा अगर आप चाहें तो। ये इसका, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम नहीं है, ये नॉर्मल बेडरूम है, नॉर्मल बेडरूम होने के कारण ही इतना बड़ा आपको दिया जा रहा है, क्योंकि मास्टर बेडरूम जब होता है ना तो बेडरूम छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्यों बड़ा बेडरूम है ये। ये इसका बड़ा बेडरूम है, यहाँ पे भी 2 से 3 फुट की बालकनी है देख सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जनरली डेवलपर ये ग्रिल लगा के नहीं देते हैं, यहाँ पे ये आपको ग्रिल लगा के दे रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे डेवलपर्स को मैंने भी देखा है कि ग्रिल लगा के नहीं देते हैं, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, प्लस रोड फेसिंग है ये। और विंडो के साइड से आप देखें तो यहाँ तक आपको इतना जो स्पेसियस बेडरूम है बहुत रेयर मिलता है, ये मास्टर बेडरूम नहीं है इसके कारण इतना बड़ा बेडरूम आपको मिल पा रहा है, नहीं तो इतना ही स्पेस में वॉशरूम बना देते हैं तो फिर बेडरूम काफ़ी छोटा हो जाता है। ये बेडरूम से मैं आपको पूरे फ्लैट का व्यू और साइज शो कर रहा हूँ, यह आप देख लें। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, 4 फ्लैट और एक यहाँ पे लिफ्ट दिया हुआ है जो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ऐसे ही नीचे से ज्वाइन किया हुआ है और दूसरे लिफ्ट के लिए दिया हुआ है, ताकि अगर किसी फायर वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो एक लिफ्ट अगर बंद भी हो जाता है तो दूसरा लिफ्ट लोग इस्तेमाल करके इसमें एग्ज़िट हो सकते हैं।
तो ये आपको मैंने 1 BHK और 2 BHK दिखाया। अभी आगे मैं कुछ एमिनिटीज़, नीचे का ओपन स्पेस और एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ।